हेलो एवरीवन, ये साइबर सिक्योरिटी का सेशन चल रहा है और साइबर सिक्योरिटी का सेशन में हम लोग कई सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ये सेशन 3 से 4 साल का चलेगा और 3 से 4 साल के सेशन में हम लोग बेसिक टॉपिक उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी देखेंगे। अभी हम लोग बेसिक टॉपिक को देखने वाले हैं जिसका नाम है नेटवर्किंग, क्योंकि हम लोग बेसिक टॉपिक में दो टॉपिक को कवर कर रहे हैं, एक पाइथन और दूसरा नेटवर्किंग। ये वीडियो जो है नेटवर्किंग का है और नेटवर्किंग में अभी आपको कनेक्टिंग डिवाइस में राउटर के अंदर अभी आपको हम ब्रॉडबैंड राउटर के बारे में बताएंगे, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में आपको हम वर्चुअल राउटर के बारे में बता चुके हैं। वीडियो नंबर 32 में वर्चुअल राउटर के बारे में बताए थे, ये वीडियो नंबर 33 है और इसमें आज आपको हम ब्रॉडबैंड राउटर के बारे में बताएंगे। तो चलिए आते हैं हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, डिस्कस कर लेते हैं ब्रॉडबैंड राउटर के बारे में डायग्राम के भी थ्रू और थ्योरी के भी थ्रू बढ़िया से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। चलिए तो आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, डिस्कस करते हैं राउटर और उसके टाइप के बारे में कि ब्रॉडबैंड राउटर क्या होता है। हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आने के बाद सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आज के टॉपिक को। जैसा कि आपको हम अभी बताए हैं, आज हम लोग राउटर को देखेंगे और राउटर में भी ब्रॉडबैंड राउटर को देखने वाले हैं। ब्रॉडबैंड राउटर क्या है, तो राउटर का टाइप है। इससे प्रीवियस वीडियो में वीडियो नंबर 32 में आपको हम वर्चुअल राउटर के बारे में बताए थे। आपको कनेक्टिंग डिवाइस शो हो रहा होगा आपके स्क्रीन के ऊपर और कनेक्टिंग डिवाइस में जैसा कि अभी हम बताएं हम लोग राउटर को देख रहे हैं। राउटर में भी किसको देखने वाले हैं और भी कनेक्टिंग डिवाइस को आने वाले वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ट्रांसमिशन मोड के बारे में बताएंगे। ठीक है, राउटर कंप्लीट होने के बाद ट्रांसमिशन के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन के ऊपर जो नेटवर्क को कैटेगराइज किया गया है उसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले राउटर टॉपिक कंप्लीट हो जाए उसके बाद। ठीक है, तो राउटर में अभी हम ब्रॉडबैंड राउटर की बात कर रहे थे कि ब्रॉडबैंड राउटर को हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं ब्रॉडबैंड राउटर के बारे में। ये वीडियो नंबर 33 है, इससे पहले वीडियो नंबर 32 अपलोड हो चुका है जिसमें हम वर्चुअल राउटर के बारे में बता चुके हैं। और भी राउटर आपको शो हो रहा होगा आपके स्क्रीन के ऊपर, वो सारे राउटर के बारे में हम बता दिए हैं। आज हम लोग ब्रॉडबैंड के बारे में बात करेंगे कि ब्रॉडबैंड राउटर क्या होता है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ब्रॉडबैंड राउटर को, देख लेते हैं कि ब्रॉडबैंड राउटर क्या होता है और इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा ब्रॉडबैंड राउटर, तो इसके बारे में अब हम लोग बात करते हैं कि ब्रॉडबैंड राउटर क्या होता है। अगर हम लोग ब्रॉडबैंड राउटर की बात करें तो ब्रॉडबैंड राउटर में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ब्रॉडबैंड राउटर होता क्या है। तो ब्रॉडबैंड राउटर क्या होता है, तो ये एक तरह का डिवाइस है। इट इज अ टाइप ऑफ डिवाइस दैट अलाउ एंड यूजर टू एक्सेस ब्रॉडबैंड इंटरनेट फ्रॉम ISP। ISP का मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP का मतलब क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये एक तरह का डिवाइस है जो क्या करता है, एंड यूजर को एक्सेस अलाउ करता है ब्रॉडबैंड इंटरनेट का। कहां से, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। तो इंटरनेट को प्रोवाइड करने का काम ब्रॉडबैंड राउटर करता है ISP के मदद से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के मदद से। ISP में कनेक्शन बनाने के लिए, कनेक्टिविटी को बनाने के लिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर डिवाइस में कनेक्टिविटी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रॉडबैंड राउटर का यूज करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट लाइन की। नेक्स्ट लाइन में क्या है, नेक्स्ट लाइन में है इट यूज टू शेयर इंटरनेट कनेक्शन विथ मल्टीपल डिवाइस बोथ वायर एंड वायरलेस इन लैन। अब वही चीज अभी बताया हम आपको, ये क्या करता है, इंटरनेट कनेक्शन को मल्टीपल डिवाइस में, इंटरनेट कनेक्शन को क्या करता है, मल्टीपल डिवाइस, इंटरनेट कनेक्शन को नहीं, इंटरनेट कनेक्शन के लिए, इंटरनेट कनेक्शन के लिए ये मल्टीपल डिवाइस में कनेक्टिविटी को बनाता है, कनेक्शन को बनाता है। अब वो कनेक्शन या तो वायर के भी थ्रू हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, ब्रॉडबैंड राउटर सपोर्ट वायर कनेक्शन एज वेल एज वायरलेस कनेक्शन, मतलब विथ वायर और विदाउट वायर, मतलब वायर के भी साथ कनेक्ट कर सकता है किसी डिवाइस को और बिना वायर के भी कनेक्ट कर सकता है, दोनों इसमें प्रॉपर्टी होता है। ये ब्रॉडबैंड राउटर के वर्जन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि ये इंटरनेट के ऊपर, ISP के ही ऊपर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर डिवाइस को ही कनेक्ट करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जो लोकल एरिया में डिवाइस होगा, मतलब लैन के अंदर, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर, उसको भी कनेक्ट करने का काम करता है ब्रॉडबैंड राउटर। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट लाइन की। नेक्स्ट लाइन में क्या है, इट ऑल्सो प्रोवाइड नेटवर्क सिक्योरिटी मैनेजमेंट एंड कॉन्फ़िगरेशन फीचर्स सच एज फायरवॉल, एन्क्रिप्शन, पासवर्ड प्रोटेक्शन, DHCP, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, वही नेट जिसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन एंड QoS, मतलब क्वालिटी ऑफ सर्विस। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब सिंपल है, ब्रॉडबैंड राउटर जो होता है सिक्योरिटी को प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटी मतलब नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क में जो सिक्योरिटी होता है उसको प्रोवाइड करने का काम करता है। नेटवर्क को मैनेज करने का काम ब्रॉडबैंड राउटर का होता है।
नेटवर्क में किसी तरह का कोई कॉन्फ़िगरेशन या फिर कोई नया फीचर्स वगैरह अप्लाई करना होता है, कनेक्टिविटी बनाना होता है, तो वहां पे हम लोग ब्रॉडबैंड राउटर का यूज करते हैं। और इसके यूज करने से क्या होता है, जो पासवर्ड प्रोटेक्शन होता है, इंक्रिप्शन होता है, वो ज्यादा सिक्योर होता है, ठीक है। उसके साथ साथ डीएचसीपी सर्वर मतलब डायरेक्ट होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये एक तरह का प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के बारे में आपको हम बताएंगे तो समझ में आएगा और बढ़िया से। एचटीटीपी प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, उसके साथ साथ और भी प्रोटोकॉल होता है जैसे एचटीटीपीएस, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसमिशन एंड सिक्योर प्रोटोकॉल, उसके साथ और भी प्रोटोकॉल होता है, वो सबके बारे में आपको हम बताएंगे। आईसीएमपी सबके बारे में आपको हम बताएंगे। ये सबको ये क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, उस प्रोटोकॉल में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम ब्रॉडबैंड राउटर का ही होता है। इसी में से एक डीएचसीपी हम एग्जांपल दे दिए, डायरेक्ट होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। नेट क्या, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, पब्लिक टू पब्लिक, आईपी टू प्राइवेट आईपी और प्राइवेट आईपी टू पब्लिक आईपी, ठीक है। पब्लिक आईपी एड्रेस को प्राइवेट आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना और प्राइवेट आईपी एड्रेस को पब्लिक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इस राउटर का भी मतलब यूज करते हैं, इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन वही चीज है, वो अभी बताया नहीं आपको, वो चीज बताएंगे, वो आने वाला टॉपिक है, ठीक है। जहां पर राउटर आ गया इसका मतलब वहां पर आपको आईपी एड्रेस का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। अब क्वालिटी ऑफ सर्विस मतलब जो सर्विसेस होता है, मतलब इंटरनेट का जो सर्विसेस होता है किसी भी डिवाइस में, वो बढ़ाने का काम करता है ब्रॉडबैंड राउटर। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन की बात कर लेते हैं। देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड राउटर डिपेंडिंग अपॉन नीड एंड कनेक्शन। ब्रॉडबैंड राउटर की बात करें तो ब्रॉडबैंड राउटर कई तरीका का होता है, डिपेंड करता है कनेक्शन के ऊपर, जैसा कि अभी बताएं यहां पे बताया ना कि ब्रॉडबैंड राउटर के वर्जन के ऊपर डिपेंड करता है, चाहे आपको वायर कनेक्ट करना हो या फिर वायरलेस कनेक्शन बनाना हो, वायर कनेक्शन बनाना हो या फिर वायरलेस कनेक्शन बनाना हो, आप क्या करेंगे, किसी भी तरह के कोई भी कनेक्शन को बनाने के लिए ब्रॉडबैंड राउटर के वर्जन को यूज कर सकते हैं। जो वर्जन का ब्रॉडबैंड राउटर होगा उसी के अकॉर्डिंग वो काम करेगा, यही चीज है। तो यहाँ पे यही चीज बोल रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड राउटर, कई तरीके के ब्रॉडबैंड राउटर होते हैं जो डिपेंड करता है कनेक्शन के ऊपर कि किस तरह के कनेक्शन को बनाना है। अब इसके टाइप में और वर्जन में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। जैसे डीएलएस की अगर हम बात करें, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन की, तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन में भी कई सारा वर्जन आता है, जो करता क्या है, तो सब्सक्राइबर को बढ़ाने का काम, सब्सक्राइबर करने का मतलब यूजर्स को बढ़ाने का काम करता है, यूजर्स को अच्छे अच्छे मतलब अच्छे अच्छे नहीं बोल सकते उसको, यूजर जो है उसको एक्सेस मिल सके, प्रॉपर इंटरनेट का एक्सेस मिल सके बढ़िया तरीका से, अच्छे तरीका से, ऐसे समझिए। तो वहां पे हम लोग डीएलएस का यूज करते हैं, डिजिटल सब्सक्राइबर राउटर का यूज करते हैं, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो सर्विस है ब्रॉडबैंड राउटर के अंदर होता है उसका यूज करते हैं। वही चीज है फाइबर राउटर, डीएलएस राउटर, वायर राउटर और वायरलेस राउटर, इसका कुछ मतलब टाइप है, ठीक है, जो कनेक्शन बनाने में मदद करता है। डिपेंड करता है कि आप किस कनेक्शन को बना रहे हो नेटवर्क में, तो वहां पे हम लोग वायरलेस राउटर, वायर राउटर, डीएलएस राउटर और फाइबर राउटर का यूज कर सकते हैं ब्रॉडबैंड राउटर में। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं डीएलएस क्या होता है, यहाँ पे नोट करके हम वो सारी चीज को मेंटेन कर देते हैं जो हो सकता है आपको न समझ में आया हो। तो डीएलएस का मतलब होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये एक तरह का सर्विस बोलिए या फिर राउटर का एक टाइप बोलिए ब्रॉडबैंड राउटर का, जो ब्रॉडबैंड राउटर में होता है, एक तरह का सर्विस जो ब्रॉडबैंड राउटर में होता है उसका नाम है डीएलएस, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। करता क्या है, ये एक तरह का टेक्नोलॉजी है, इट इज अ टेक्नोलॉजी दैट यूज टू हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल ओवर ऑर्डिनरी कॉपर वायर टू प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस विद स्पीड अप टू 100 Mbps, बट द एक्चुअल स्पीड डिपेंड अपॉन द सर्विस प्रोवाइडर एंड द अदर फैक्टर। कहने का मतलब क्या, अब एक चीज आप गेस करते होंगे, कभी जब भी आप रिचार्ज कराते होंगे डेटा का, तो डेटा लॉस मतलब डेटा लॉस कहने का मतलब ये नहीं, डेटा खत्म होने के बाद आपका जो इंटरनेट है वो स्लो काम करता होगा, ठीक है, लेकिन जैसे आप रिचार्ज कराते हैं तो फास्ट काम करता है, ये कैसे होता है। ऐसा और भी एग्जांपल हो सकता है, जैसे जब भी आप मोबाइल का यूज करेंगे तो वहां से अगर आपका जो एडमिन होगा, जो डेवलपर होंगे, डेवलपर करने के मतलब जो कस्टमर केयर होंगे, वहां पे आप कॉल करके पूछेंगे कि इस एरिया में डेटा स्लो हो रहा है, तो वहां पे क्या आएगा आपको जवाब, कि ज्यादा यूजर्स होने के कारण मतलब ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण नेटवर्क स्लो हो जाता है, ये नॉर्मल सा बात है। लेकिन जब आप रिचार्ज करवाते हो तो वहां पे क्या होता है, आपका मोबाइल काम करना शुरू कर देता है और भी अच्छे तरीका से। अगर डेटा ज्यादा होता है तब तो कैसे होता है, डेटा ज्यादा है इसका मतलब यूजर कम हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता है। आपके मोबाइल में डेटा ज्यादा है तो बढ़िया से काम कर रहा है और यूजर कम हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो ट्रैफिक है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा, वो सर्विस प्रोवाइडर के भी ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो है चाहे तो आपके मोबाइल का स्पीड, मोबाइल का जो इंटरनेट का स्पीड है, मोबाइल का स्पीड नहीं, मोबाइल का जो इंटरनेट का स्पीड है वो ज्यादा भी कर सकता है और कम भी कर सकता है, उसको बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो वही चीज डीएलएस क्या है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, मतलब मान लीजिए कि आप जियो का सिम लिए, एयरटेल का सिम लिए, आइडिया का सिम लिए, वोडाफोन का सिम लिए, तो एयरटेल, आइडिया, जियो, वोडाफोन, ये सब क्या है, ये सब एक सर्विस प्रोवाइडर है जो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है।
आपको डेटा प्रोवाइड करता है आपको यूज करने के लिए, तो आप उस सर्विस प्रोवाइडर का सब्सक्राइबर हो, ठीक है, आप यूजर हो, तो वो चाहेगा तो आपके मोबाइल के डेटा को स्लो कर सकता है या बढ़ा सकता है। ये डिपेंड किसके ऊपर करता है? सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर। सिंपल सा एग्जांपल था, ठीक है। तो यही है, ये एक तरह का टेक्नोलॉजी है जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल का यूज करता है और एक ऑर्डिनरी कॉपर, मतलब एक ऑर्डिनरी कॉपर वायर प्रोवाइड करता है इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए और उसके स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। ज्यादा से ज्यादा जो स्पीड इंक्रीज कर सकता है वो कर सकता है आपका 100 Mbps, मतलब 100 Mbps कहने का मतलब 100 Mbps। बट लेकिन होता क्या है, जो एक्चुअल स्पीड जो होता है, हम क्या बोले कि आप अगर इस राउटर का यूज करते हो, ब्रॉडबैंड राउटर का, इंटरनेट को और ज्यादा स्पीड में बढ़ाने के लिए, आप और ज्यादा यूज कर सको स्पीड में इंटरनेट को, उसके लिए आप ब्रॉडबैंड राउटर का यूज करते हैं, कनेक्टिविटी करते हैं राउटर का अपने नेटवर्क के अंदर, तो वहां पे ऐसा जरूरी नहीं है कि राउटर का यूज करने पे आपको खूब स्पीड में काम करना शुरू कर देगा आपका डिवाइस। नहीं, आपका डिवाइस स्पीड में काम करना शुरू करेगा, लेकिन अगर सर्विस प्रोवाइडर चाहे तो वो उस स्पीड को कम भी कर सकता है, वो स्पीड उस स्पीड को बढ़ा भी सकता है। अभी बताएं सर्विस प्रोवाइडर कौन, जहां से आपको डेटा आता है वो है सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अब हम आपको ब्रॉडबैंड राउटर को डायग्राम के थ्रू समझाते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और भी अच्छे से। तो ये कुछ आपके स्क्रीन के ऊपर राउटर का इंटरफेस दिख रहा होगा, ये सब चीज हम बता चुके हैं, ठीक है। वीडियो काफी दिन बाद अपलोड किए नेटवर्किंग का, इसके लिए राउटर का बारे में थोड़ा सा बताना जरूरी है, ठीक है। तो इसमें पोर्ट क्या होता है, लैन पोर्ट क्या होता है, डीएसएल पोर्ट क्या होता है और WPS पावर ऑन ऑफ बटन कहां पे होता है, ये सब चीज हम बता चुके हैं। इंटरनेट केबल कहां पे लगाते हैं वो सब चीज हम बता चुके हैं। इंटरफेस विद राउटर, ये भी वही चीज है। RJ45 कनेक्टर है, इसका बहुत सारा वर्जन आता है, वो सब चीज हम बता दिए थे। RJ11 वगैरह ये सब वर्जन है, ठीक है, राउटर के अंदर। राउटर के अंदर एक्चुअली में नहीं होता, ये एक तरह का केबल है, कनेक्टर है, जो कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है ना। अभी हम बता रहे हैं आपको ब्रॉडबैंड के बारे में, तो ब्रॉडबैंड के ही बारे में बताएंगे। ये इसका मतलब वर्चुअल इमेज है, ये आपका रियल में राउटर इस तरह का होता है। अब उसका हार्डवेयर अलग अलग तरह के राउटर का अलग अलग तरह का होता है, ऐसा जरूरी नहीं कि एकदम जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है वही होगा सेम टू सेम, नहीं, उसका कलर में चेंजेज हो सकता है, उसका डिजाइन में चेंजेज हो सकता है और भी कई सारा हो सकता है। अभी हम आपको समझा रहे हैं किसके बारे में, ब्रॉडबैंड राउटर के बारे में, और ब्रॉडबैंड राउटर के साथ साथ वो सारे राउटर को भी हम थोड़ा बहुत बता देंगे जो इससे पहले हम बता चुके हैं, हालांकि रिवीजन का सेशन कराएंगे, लेकिन अभी बात कर लेते हैं ब्रॉडबैंड राउटर के बारे में। ब्रॉडबैंड राउटर को तो बताएंगे ही, लेकिन उससे रिलेटेड और भी कई सारा कंटेंट है, उसको भी आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो आपको फोकस करना है ब्रॉडबैंड राउटर के ऊपर। चलिए, तो ब्रॉडबैंड राउटर को समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, वो जानना जरूरी है। तो ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन के ऊपर ISP, इसका मतलब क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब हमको समझ में नहीं आया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका मतलब क्या, जो इंटरनेट को प्रोवाइड करता है, इंटरनेट जैसे सर्विस को प्रोवाइड करता है उसको हम लोग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं। अब वो इंटरनेट सर्विस किसी भी तरीका से प्रोवाइड हो सकता है, ठीक है, कोई भी कंपनी कर सकता है। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP कहने का मतलब समझिए एक पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो आपका कोई भी हो, BSNL हो, Jio हो, Vodafone हो, Airtel हो, Idea हो, कोई भी हो, ये सारे कंपनीज हैं जो आपको इंटरनेट को प्रोवाइड करती है। ये कंपनी क्या करती है, इंटरनेट को प्रोवाइड करने का काम करती है, किसको, तो यूजर को। तो वहां पे अभी आपको समझाएं कि इस VSNL के लिए, अगर मान लीजिए ये कंप्यूटर में कोई डेटा का यूज कर रहा है या फिर इस मोबाइल में कोई आदमी किसी डेटा का यूज कर रहा है, तो ये आदमी यूजर है, ये आदमी इसका सब्सक्राइबर है ना। अभी बताया ना DSL के बारे में, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन के बारे में, तो इस कंपनी का सब्सक्राइबर, इस कंपनी का यूजर कौन हुआ, ये हुआ जो इस डिवाइस को यूज कर रहा है। तो कई सारे कंपनी ISP को प्रोवाइड करता है, इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड करता है, जिसमें से एक VSNL है, Jio है, वोडाफोन है, Airtel है और Idea है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ISP मतलब क्या, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मतलब जो इंटरनेट को प्रोवाइड करे उसको बोलेंगे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वो कोई भी कंपनी हो सकता है, चाहे वो BSNL हो या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर कंपनी हो, Jio, वोडाफोन, Airtel या फिर Idea हो सकता है। अब ये जो ISP कंपनी है, ये ISP कंपनी करता ऐसा क्या चीज है कि आपके मोबाइल में इंटरनेट आ जाता है, डेटा आ जाता है, कुछ तो करता होगा। आप बस रिचार्ज करवाते हो, आपके मोबाइल में डेटा आया या फिर आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर में डेटा आया, उसका आप बेनिफिट उठाते हो, लेकिन कैसे? तो वो काम होता है आपका तीन तरीका से। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए मेरे बताते ही कि जब भी आप मोबाइल में रिचार्ज करवाए, डेटा आया, तो ये तो आपको पता है कि हम पैसा दिए, हमको डेटा आया, उसका हम यूज किए। अब वो डेटा आप कोई Jio का राउटर यूज कीजिए या फिर आप VSNL का यूज कीजिए, वोडाफोन, Airtel या फिर Idea का यूज कीजिए। अब एक चीज और ध्यान देना, ये भी चीज ध्यान में आ गया, हमको ये भी बता ही देते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप जब भी दुकान में जाते होंगे तो वहां पे बोलते होंगे हमको Jio का राउटर चाहिए, वाईफाई लगवाना है, तो वहां पे Jio का राउटर आप लगवाओगे। ये भी बता क्या रहे हैं, वायरलेस राउटर, कोर राउटर, ब्रॉडबैंड राउटर, आउटडोर राउटर और उसके साथ साथ वर्चुअल राउटर। तो
तो दुकान में आप जाते हो तो क्या बोलते हो, हमको जियो का राउटर चाहिए। आप कभी बोलते हो कि हमको ब्रॉडबैंड राउटर चाहिए, हमको आउटडोर राउटर चाहिए, हमको वर्चुअल राउटर चाहिए? क्योंकि पता ही नहीं होता है वहां पे कि ब्रॉडबैंड राउटर किसके लिए यूज करते हैं। तो ये जियो कंपनी हर तरह का राउटर को बनाएगा आपके इंटरनेट को बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए, एक्सेस और भी अच्छा हो सके इसके लिए। ये हर तरह का राउटर को बनाएगा, एक पार्टिकुलर कंपनी हर तरीके का राउटर को बनाएगा, चाहे वो वायरलेस राउटर हो, वायर राउटर हो, कोर राउटर हो, ब्रॉडबैंड राउटर हो, आउटडोर राउटर हो, वर्चुअल राउटर हो, चाहे वो वीपीएन राउटर हो, कोई भी राउटर हो वो आपका, चाहे वो सेलुलर राउटर हो, किसी भी तरह का कोई भी राउटर हो, एक कंपनी उस राउटर को बनाएगा। लेकिन वो राउटर का नाम दे देगा कौन सा कंपनी का राउटर, जियो कंपनी का राउटर है, आप इसको यूज कीजिए। मतलब वो राउटर होगा ब्रॉडबैंड, उस राउटर, वो जो राउटर होगा ब्रॉडबैंड की तरफ बिहेव करेगा, वो राउटर कोर राउटर की तरफ बिहेव करेगा, लेकिन उस राउटर का नाम क्या हो जाएगा, जियो कंपनी का राउटर है, इसका आप यूज कीजिए। एयरटेल का राउटर है, इसका आप यूज कीजिए। ये वाईफाई काफी बढ़िया होगा, ये काफी अच्छा होगा, वो काफी अच्छा होगा, ये नाम होता है। अब कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन राउटर का प्रॉपर्टी आपको, मतलब राउटर कौन सा है ये जान बता रहे हैं आपको, किस कंपनी का राउटर है वो नहीं। कंपनी का राउटर कंपनी खुद बताता है कि ये मेरे कंपनी का राउटर ये अच्छा है। अब क्यों? क्योंकि उसने प्रोग्राम अच्छा किया हुआ रहता है। मान लीजिए कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का राउटर को यूज करते हैं तो उसका प्रोग्राम बढ़िया होगा, इसके लिए उसका राउटर अच्छा होगा, उसके अंदर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बढ़िया होगा, इसके लिए उसका राउटर अच्छा होगा। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस पर्पस के लिए कौन सा राउटर यूज करना है। अभी तक हम हर चीज बता दी, कौन सा राउटर कहाँ पे यूज करते हैं। आउटडोर राउटर का यूज हम लोग मतलब आउटडोर प्लेसेस के लिए करते हैं, तो वहां पे आउटडोर राउटर ही आप यूज कीजिएगा। लेकिन किस कंपनी का, कोई भी कंपनी का, जो ऊपर में आपको दिख रहा है जो आईएसपी को प्रोवाइड करवाता है उस कंपनी का ना, जो इंटरनेट को प्रोवाइड करवाता है। राउटर का यूज क्यों करते हैं, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, सिंपल है। तो वही बोल रहे हैं कि कोई भी कंपनी का आप यूज कीजिए, लेकिन वो राउटर किस टाइप का होगा ये जानना जरूरी है। तो वो राउटर कोई भी हो सकता है, ब्रॉडबैंड, कोर, वायरलेस, आउटडोर, वर्चुअल, कुछ भी, लेकिन वो कंपनी होगा जियो का, बीएसएनएल का, वोडाफोन का, एयरटेल का, आइडिया का, कोई भी हो सकता है। तो आप कंपनी के नाम से राउटर को जाकर के खरीदते हो, किस टाइप का राउटर है ये जाकर के नहीं बोलते हो कि हमको ब्रॉडबैंड राउटर चाहिए, इंटरनेट को एक्सेस करना है दुकान में। आप जाके बोलते हो हमको जियो का राउटर चाहिए, वाईफाई लगवाना है, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यही मेरा समझाने का मकसद था। एक और क्वेश्चन जो आपको हम बताने वाले थे कि आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए, मेरे पूछते हैं जो भी हम बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, हाँ, कि आप रिचार्ज जब करवाते हो आपके मोबाइल में डेटा आता है, वो चीज कहीं से भी आए, चाहे वो आप इस राउटर का यूज करके उस डेटा का यूज करें या फिर डायरेक्टली मोबाइल में रिचार्ज करवा करके यूज करें। मोबाइल क्योंकि सेलुलर है, ठीक है, सेलुलर डिवाइस है, इसलिए वो सिग्नल से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है नियरेस्ट टावर से, है ना। इसके लिए आप डायरेक्टली डेटा को एक्सेस कर लेते हो, ये राउटर वगैरह का जरूरत नहीं होता है मोस्ट ऑफ द केस में। उसी को जरूरत होता है जिसको मतलब कि नेटवर्क स्पीड काफी हाई चाहिए, जिसको हमेशा नेटवर्क का काम होता है, जिसको इंटरनेट एक्सेस हमेशा चाहिए और स्पीड में चाहिए, इसके लिए राउटर का यूज किया जाता है। ठीक है, नेटवर्क आपको सीरियल नंबर देगा, सिक्योरिटी की देगा, उसका यूज करके आप राउटर का एक्सेस कर सकते हैं। हालांकि इसके ऊपर हम बता चुके हैं, लेकिन ब्रॉडबैंड के ऊपर आते हैं। एक चीज और, आप मोबाइल में तो डेटा का रिचार्ज करवा लेते हो, डेटा आ जाता है, आप इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हो। इनफैक्ट ये वीडियो जो आप देख रहे हो वो कहां पे देख रहे हो, यूट्यूब पे। यूट्यूब क्या, एक तरह का एप्लीकेशन, यूट्यूब एक तरह का एप्लीकेशन, और वो कहां पे है, तो इंटरनेट के ऊपर है। यूट्यूब नाम का एप्लीकेशन इंटरनेट के ऊपर है, क्लाउड के ऊपर है, वहां से आप क्या कर रहे हो, आप इस वीडियो को एक्सेस कर रहे हो। और वो जो यूट्यूब है उस क्लाउड के ऊपर इस वीडियो को जो आप एक्सेस कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो, क्योंकि आपके मोबाइल में डेटा है, इसके लिए कर रहे हो। वो डेटा कहां से आया, ये कंपनी, ये इसमें से कोई ना कोई कंपनी आपको वो डेटा को प्रोवाइड किया। ये कंपनी कौन, तो आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब ये कंपनी भी तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई डेटा को लाता होगा, आपको डेटा मिला इस कंपनी से, ये कंपनी भी तो लाता होगा ना, ये कंपनी भी कहीं से तो सर्विस को प्रोवाइड करता होगा। तो ये कंपनी तीन तरीका से सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, एक्चुअल में तीन नहीं है, तीन से चार है। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में आपको हम टोटल थ्री बता रहे हैं, वो बताना भी है आपको। पहला, सेलुलर टावर, मतलब आपका नजदीकी टावर से क्या होगा, डेटा को एक्सेस प्रोवाइड करवा सकता है, आपके नजदीकी नियरेस्ट टावर के लिंक से आपके डेटा को प्रोवाइड करवा सकता है। नियरेस्ट टावर में जो कनेक्शन होगा आपका मोबाइल से, वहां से आपको डेटा को प्रोवाइड हो सकता है। इसीलिए आप कभी कभी सुनते होंगे कि टावर नहीं है, इसके कारण स्पीड नहीं आ पा रहा है। अब कहीं कहीं पे आप सुनते होंगे कि टावर नहीं है फिर भी स्पीड दे रहा है, कैसे? तो वहां पे जो आपका सर्विस होता है वो आपका सैटेलाइट लिंक के थ्रू प्रोवाइड करवाया जाता है। कहां से प्रोवाइड करवाती है ये कंपनी, सैटेलाइट लिंक के थ्रू। तीसरा चीज, अब ये दोनों चीज को छोड़ करके एक और चीज आता है, वो आता है ओशियन के नीचे बहुत सारा केबल बिछा हुआ रहता है, बहुत सारा मतलब वायर बिछा हुआ रहता है, और उसी के थ्रू फाइबर ऑप्टिक वायर उसको बोलते हैं, वो बताना है। अभी हम बताए भी होंगे आपको कोएक्सियल वगैरह के बारे में, कोएक्सियल तो खैर बहुत लो लेवल का है, फाइबर ऑप्टिक हाई लेवल का वायर आता है। ठीक है, काफी कॉस्टली भी आता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है वायर के ऊपर, है ना, उसमें भी इथरनेट केबल वगैरह, इथरनेट केबल तो खैर नॉर्मल है, फाइबर ऑप्टिक की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका यूज करके मतलब कि इंटरनेट को प्रोवाइड करवाते हैं। तो तीन सर्विस को प्रोवाइड करती है कंपनी मोस्ट ऑफ द केस में, सैटेलाइट लिंक के थ्रू आपको डेटा प्रोवाइड करवाती है, दूसरा आपको सेलुलर टावर के थ्रू डेटा प्रोवाइड करवाती है, तीसरा ओशियन के नीचे जो फाइबर ऑप्टिक
बिछा हुआ रहता है उसके थ्रू आपको डेटा को प्रोवाइड करवाती है। ये सब क्या है जो अभी बताए हम आपको, ओशियन के नीचे जो फाइबर ऑप्टिक बिछा हुआ रहता है या फिर सैटेलाइट लिंक के थ्रू जो डेटा प्रोवाइड करवाती है या फिर सेलुलर टावर के थ्रू आपको डेटा को प्रोवाइड करवाती है, ये सब क्या है? ये सब एक तरह का सर्विस है जो यूज करती है ये सारी की सारी कंपनियां, और ये सर्विस को लेने के लिए गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ता है। आयुब क्या आप समझ रहे हैं? इस सर्विस को लेने के लिए गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा। सैटेलाइट लिंक का यूज करके आपको डेटा को प्रोवाइड करवा रही है, तो सैटेलाइट लिंक का यूज करने के लिए इस कंपनी को गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा ना, तो इसीलिए क्या होता है आपसे ये कंपनी पैसा लेती है। आयुब क्या आप समझ रहे होंगे? अब उसमें कंपनी का भी खुद का बेनिफिट होता है, ठीक है, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट उसी के थ्रू टैक्स बोलिए या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि मतलब सैटेलाइट का लिंक तभी देती है जब गवर्नमेंट को भी कुछ ये कंपनीज क्या करती है इनकम देती है तब, ऐसे नहीं। तो ये मेरा मेन मोटिव यही बताना था कि ये कंपनी तीन तरह के सर्विस को प्रोवाइड करता है। पहला सैटेलाइट लिंक के थ्रू जब आपको डेटा को प्रोवाइड करवाना होगा तो सैटेलाइट लिंक सर्विस को प्रोवाइड करेगा, उसके साथ साथ आपको ये प्रोवाइड करेगा फाइबर ऑप्टिक ओशियन के नीचे जो हम लोग ये करते हैं वो प्रोवाइड करेगा, उसके साथ साथ एक और आपको हम बताएं सेलुलर टावर के थ्रू, हाँ उसके थ्रू प्रोवाइड करेगा। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब बताते हैं राउटर का यूज क्यों करते हैं, तो इतना तो बता दिए आपको कि राउटर का यूज भी इंटरनेट को ही एक्सेस करने के लिए करते हैं और मोबाइल से तो डायरेक्ट हम कनेक्ट हो सकते हैं सेलुलर सिग्नल के थ्रू, ठीक है, सेलुलर राउटर से तो वहां से इंटरनेट एक्सेस हो जाता है। राउटर का यूज करते हैं नेटवर्क को बूस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब किसी भी टाइप के राउटर का यूज कीजिए, डिपेंड करता है आप किसके लिए यूज कर रहे हैं। अब बहुत ज्यादा डिवाइस को कनेक्ट करना हो, मान लीजिए सभी डिवाइस को कनेक्ट करना हो, तो राउटर भी तो उस लेवल का होना चाहिए कि सारे के सारे डिवाइस को मतलब कनेक्ट कर सके। मान लीजिए एक से दो तीन नेटवर्क में कनेक्टिविटी को बनाना हो, ये नेटवर्क अलग हो गया, ये स्विच एक अलग नेटवर्क को क्रिएट करेगा, ये वाला जो स्विच आपको दिख रहा है, ये स्विच जो दिख रहा है ये मान लीजिए कि एक अलग नेटवर्क को क्रिएट कर रहा है, ये जो स्विच दिख रहा है ये एक अलग नेटवर्क को क्रिएट कर रहा है, इधर ये जो स्विच दिख रहा है ये एक अलग नेटवर्क को क्रिएट कर रहा है, ये तीनों नेटवर्क को मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर राउटर से कनेक्ट करना होगा, तो राउटर में भी तो वो कैपेसिटी होना चाहिए ना कि वो क्या करेगा इस तीनों स्विच के यूजर को संभाल सके, क्योंकि यूजर ज्यादा हो जाएगा और एक के ऊपर लोड आ जाएगा तो एक डिवाइस के ऊपर लोड आएगा तो क्या होगा, उसके पास वो कैपेसिटी होगा तभी तो उसको हैंडल कर पाएगा। तो यही चीज है, तो ये कनेक्टिविटी दो तरीका से हो सकता है। अब बात है ब्रॉडबैंड के ऊपर, अब ब्रॉडबैंड राउटर में कनेक्टिविटी दो तरीका से किया जा सकता है, यही मेरा मोटो था ब्रॉडबैंड बताने से पहले कि आपको थोड़ा सा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बारे में बता दें। तो ब्रॉडबैंड राउटर का यूज हम लोग करके क्या करते हैं, इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। नॉर्मल ब्रॉडबैंड राउटर नॉर्मल राउटर है, आप अपने मोबाइल में डिवाइस में कहीं भी यूज कर सकते हैं वाईफाई को एक्सेस करने के लिए, इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, ऐसे आप समझिए, ठीक है। ये ब्रॉडबैंड राउटर से हम लोग क्या कर सकते हैं, वायर के भी थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी डिवाइस को, वायरलेस भी कर सकते हैं किसी भी डिवाइस को, लेकिन वायरलेस कनेक्ट करने का भी तीन चार मेथड, जिसमें से एक मेथड है WDS, जिसका मतलब होता है वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब ये वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है ये हमको नहीं पता चल रहा है। वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक तरह का प्रोसेस है, ये वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, एक तरह का प्रोसेस, इट इज द टाइप ऑफ प्रोसेस दैट यूज टू कनेक्ट टू डिवाइस वायरलेसली विदाउट वायर, बिना वायर के दो डिवाइस को कनेक्ट करना होगा, वहां पे हम लोग WDS का यूज करेंगे। बट लेकिन WDS इज नॉट नेसेसरी फॉर सेलुलर डिवाइसेस, WDS सेलुलर डिवाइसेस के लिए जरूरी नहीं है कि वो कोई भी सेलुलर डिवाइसेस WDS को सपोर्ट करेगा तभी वो विदाउट वायर के कनेक्ट हो सके, ऐसा जरूरी एकदम नहीं है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। वैसे डिवाइस के लिए WDS जरूरी है जो डिवाइसेस को कनेक्ट करता हो, नेटवर्क को कनेक्ट करता हो, उस डिवाइसेस के लिए WDS का सपोर्ट होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक मॉडेम आपको दिख रहा होगा, करता क्या है, तो इंटरनेट प्रोवाइड करने का काम करता है राउटर को। मॉडेम क्या करता है, इंटरनेट प्रोवाइड करने का काम करता है राउटर को। अब ये मॉडेम जो है, यहां पे जो मॉडेम है, ये मॉडेम वायर मॉडेम है या फिर केबल मॉडेम इसको बोल सकते हैं। अब ये मॉडेम केबल मॉडेम है, इसके लिए केबल के थ्रू इस राउटर से कनेक्ट है और इस राउटर को इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। एक चीज हमेशा ध्यान देना है, ये कंपनी डायरेक्टली भी प्रोवाइड कर सकती है किसी भी मतलब बोल सकते हैं उसको डिवाइस में, या फिर आप बोल सकते हैं डिवाइस करने का मतलब आप सब समझ जाइए, राउटर भी मोबाइल भी, मोबाइल को सिग्नल के थ्रू और राउटर को सेलुलर टावर के भी थ्रू आप ये फ्रीक्वेंसी वगैरह का यूज करके, या फिर इसके पार्टिकुलर सीरियल नंबर भी होता है इसमें, उसके साथ साथ मोबाइल में एक EMI नंबर आता है, IMEI नंबर आता है जिसमें आप सिम स्लॉट करते हो, उसके भी थ्रू आपके मोबाइल में वो क्या करेगा, उस सर्विस को प्रोवाइड करेगा डायरेक्टली वो कंपनी। अदरवाइज वो किसी डिवाइस का भी यूज करके उससे आप कनेक्टिविटी बना सकते हो और उस डिवाइस के थ्रू आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर सकता है, नहीं तो आप मॉडेम का भी यूज करके किसी एक पर्टिकुलर डिवाइस से कनेक्टिविटी बनाते हो और उसके बाद वो डिवाइस आपके डिवाइस में इंटरनेट को प्रोवाइड करता है। समझ रहे हैं बात हम क्या बोलना चाह रहे हैं? तो मॉडेम का काम क्या होता है, इंटरनेट से कनेक्शन को बनाना। कहां से कनेक्शन बनाना, इंटरनेट से कनेक्शन बनाना और उस इंटरनेट का एक्सिस इस राउटर को दे देना। अब वो एक्सिस वायर भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। यहां पे अगर वायरलेस मॉडेम होता तो वायर का यूज नहीं करते। यहां पे ये कौन सा मॉडेम है, वायर मॉडेम है, केबल मॉडेम है, इसके लिए केबल का यूज किए। लेकिन मान लेते हैं कि ये मॉडेम केबल मॉडेम है,
फिर भी हमको यूज करना पड़ेगा क्या, फिर भी हम चाहते हैं कि विदाउट वायर हम यूज करें, तो वहां पे ये यूज कर, वहां पे ये जो मॉडम है ये क्या होना चाहिए, WDS सपोर्ट का होना चाहिए। ये मॉडम WDS को सपोर्ट करेगा और ये राउटर WDS को सपोर्ट करेगा, तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो सकता है। मान लीजिए कि ये जितना भी राउटर है, ये दोनों राउटर और ये भी राउटर, ये दोनों के दोनों राउटर और ये भी राउटर, मतलब ये टोटल जो राउटर है, टोटल 5 राउटर आपको सपोर्ट कर रहा है WDS, मतलब वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और ये मॉडम भी सपोर्ट कर रहा है WDS, तो ये सिंगल मॉडम इस सारे राउटर से कनेक्ट हो सकता है, जितना भी राउटर इस सब से कनेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी एक राउटर, कोई एक राउटर भी अगर WDS को सपोर्ट नहीं किया, तो उस राउटर से कनेक्टिविटी नहीं बना पाएगा ये मॉडम, ठीक है। तो ऐसा जरूरी है कि दोनों के दोनों डिवाइस WDS को सपोर्ट करेगा, तभी जाके इस दोनों में कनेक्शन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। यही चीज यहां पे भी हो रहा है, यहां पे आपका ब्रिज WDS को सपोर्ट कर रहा है, इसके कारण इस राउटर से इसका कनेक्टिविटी बन पा रहा है, क्योंकि ये राउटर WDS को सपोर्ट करता है। तो कनेक्टिविटी चाहे यहां से जाए या फिर यहां से जाए, यहां वाले को प्रॉब्लम होगा, जो यूजर है उसको प्रॉब्लम होगा ही होगा, ठीक है। मान लीजिए यहीं से कनेक्टिविटी कट हो गया, तो यहां पे क्या होगा, कनेक्टिविटी नहीं बन पाएगा, तो यहां पे प्रॉब्लम आएगा यूजर को। आई होप कि आप समझ रहे होंगे क्या बोल रहे हैं। यही चीज मेरा बताने का मोटो था, ब्रॉडबैंड राउटर का यूज क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, मतलब कि ब्रॉडबैंड राउटर से जब आप कनेक्ट होते हैं, तो ये राउटर में जो सर्विस प्रोवाइड करता है ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये जब ये डेटा को यहां पे प्रोवाइड करेगा, तो इस पार्टिकुलर कंपनी के यूजर आप कहलाएंगे, सब्सक्राइबर आप कहलाएंगे, डिजिटल सब्सक्राइबर आप कहलाएंगे, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। यही काम था आपका टोटल, ब्रॉडबैंड राउटर बोलिए या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वो कोई भी डिवाइस हो सकता है, ठीक है, चाहे वो टैब हो सकता है, फोन हो सकता है, कोई सिस्टम हो सकता है, कोई घड़ी हो सकता है, वॉच हो सकता है, किसी भी तरह का कोई भी चीज हो, कनेक्टिविटी बना सकता है। लेकिन सेलुलर राउटर को कनेक्टिविटी बनाने के लिए WDS का सपोर्ट होना जरूरी नहीं मांगता है। थैंक्स टू यू टू गिव योर वैल्यूएबल टाइम ऑन दिस वीडियो। आई होप कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा समझने में। किसी भी तरह का डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप जरूर मैसेज कीजिए, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। आशा करते हैं कि आपको ब्रॉडबैंड राउटर अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए तो वीडियो को यहीं पर टर्मिनेट करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 34 में। ये वीडियो नंबर 33 था, उसमें हम लोग VPN राउटर के बारे में बात करेंगे और भी डिटेल में और भी अच्छे से।